जब भी आप ऐसे कॉटन के कपड़े में सीड्स को ग्रो करने की कोशिश करें तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको थोड़े थोड़े दिनों में इसको चेक करना है कि पानी की नमी है उसमें, और जब जर्मिनेशन ऐसे हो जाए तो जिस जिस सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हुआ उसको आपको निकालना है, क्योंकि देखिए ये जड़े हैं ना, उस वजह से कपड़ा पूरा ऐसे हो जाएगा और जो सीड्स हमारे बाकी रह गए ना उसको नमी नहीं मिल पाएगी प्रॉपर, उस वजह से उसका जर्मिनेशन फिर रुक जाएगा। तो आपको ऐसे निकाल देना है उसको अलग, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ क्या करना है आपको। पहले आपको उसको अलग निकाल देना है जिसका जर्मिनेशन नहीं हो पाए, क्योंकि जो कपड़ा होता है ना वो थोड़ा थोड़ा ऊपर होने लगता है, इतनी सारी जड़ें होती है, ये कम से कम 50 के ऊपर है ये सब जर्मिनेशन हुए प्लांट्स, ये सब डोनेट हो जाएंगे बारिश के मौसम में, मतलब कि जून जुलाई में। तो देखिए इतने सीड्स का तो जर्मिनेशन नहीं हुआ है अभी, तो ये भी काफ़ी सीड्स है, कम से कम 20 सीड्स हो गए, तो इसको हम वेस्ट तो नहीं होने देंगे ना। हमारा मेन तो क्या है कि नेचर को सेव करना है, तो वेस्टेज तो नहीं होना चाहिए नेचर के साथ। तो देखिए आप इसको ऐसे रख दिया हमने, अभी ये सीड्स को रख दिया ऐसे, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ऊपर सीड्स से इसमें आधे का हुआ था, जो हुआ था उसको मैंने अंदर रख दिया, और अभी इसका जिसका नहीं हुआ है उन सबको हम साथ में रख देते हैं। तो देखिए ये सब अभी साथ में ही रहेंगे, बोले तो क्या इसका जर्मिनेशन होगा, क्योंकि ये सब अभी एक ही कंडीशन में है, इनका जर्मिनेशन अभी एक साथ हो जाएगा। जब इनमें से भी कुछ का नहीं होगा तो हम उसको भी अलग करेंगे। आपको ऐसे करते रहना है तो आपका 100% जर्मिनेशन होगा, कितना 100%। बाकी तो काफ़ी सीड्स वेस्ट हो जाएंगे, वरना मतलब कि वो तो अच्छी बात नहीं है ना। नेचर, जब हम नेचर की बात करते हैं तो हमें उसमें जितना हो सके उतना ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए आप अभी जो प्लांट्स के सीड्स दूसरे सीड्स से उसका जर्मिनेशन हो जाएगा अभी, देखिए वरना ऐसे कपड़ा होगा तो देखिए इसमें जो सीड्स नीचे रह गए होंगे उसका जर्मिनेशन होगा, कभी नहीं होगा। देखिए मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए, अभी ये इसमें देखिए ये प्लांट्स कितने बड़े हो गए, अभी ये कपड़ा कोई भी तरह मोड़ नहीं पाएंगे। तो अभी देखिए इन बिचारों का कभी जर्मिनेशन हो पाएगा इस सीड्स का, या फिर ये तो सीड नहीं है, ये तो उसकी जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सीड्स के ऊपर का सिर्फ है, बाकी ये तो सीड है। देखिए आप ये खुल भी गया था फिर भी इसका जर्मिनेशन नहीं, तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं। देखिए आप ये हमारा दूसरा, ये अभी आपको सीड्स लग रहा है ना, एक टाइम पर ये पूरा प्लांट बन जाएगा 3-4 साल 5 साल बाद, और ये ऐसे हज़ारों नींबू देगा पूरी ज़िंदगी भर में। तो हमें कोई भी सीड्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हर सीड्स को हमें ध्यान से ही करना चाहिए बड़ा, क्योंकि यही हमारी लाइफ है, आगे जाके यही हमें सब कुछ देता है। तो हमें जितना हो सके उतना इस पर ध्यान देना है। देखिए आप इसका जर्मिनेशन हुआ है, छोटा सा है, इसको भी हम उठा लेते हैं। देखिए आप हम यहाँ पर रख रहे हैं, इसका तो प्रॉपर हो गया। अभी मेरे ख्याल से इसमें कोई सीड्स नहीं है जिसका जर्मिनेशन नहीं हुआ और बड़ा ना हुआ, तो अभी इसमें भी हम पानी देंगे फवारे से, मतलब कि वो जो नाई के पास होता है ना वैसा हमारे पास नॉर्मली है। अभी हमने ऐसा कुछ मैं बोल भी नहीं पा रहा जिसको महंगा कहते हैं हिंदी में, वैसा हमने कुछ नहीं लिया है, देसी ही हमारे पास जो नाई के पास होता है ना, जो क्या बोल सलून वाले के पास, वो वैसा हम लेके आए 20-30 रुपये का। तो अभी इसमें भी थोड़ा छाट देंगे और इसमें भी, और इस सीड्स को हम अंदर रख देते हैं जिस वजह से इसका जर्मिनेशन जल्दी से हो जाए। देखिए इसको क्या करना है, अभी यहाँ से निकाला इसको, उसके बाद इसको यहाँ से खोला, तो देखिए यहाँ पर नीचे भी है पर इसको हम ऊपर ही रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि नमी तो हर जगह है। तो सारे हमारे प्लांट्स ग्रो हो गए, देख सकते हैं आप, तो यहाँ से हमने उठा लिया। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, हमारे 8 सीड्स अगर वेस्ट हो जाते तो देखिए आप कितना लॉस, कितना वो गलत बात है, मतलब लॉस प्रॉफिट की तो बात नहीं है, हमें डोनेट करने हैं प्लांट, पर 8 प्लांट कम नहीं होने चाहिए, वैसे ही प्लांट की अभी बहुत, तो क्या बोलते हैं उसको, देखिए आप यहाँ तक। तो अभी हम इसमें पानी दे देते हैं थोड़ा, तो अभी यही तक रखते हुए, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतने कंटेनर में 50-60 प्लांट बड़े हो रहे हैं, आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतने कंटेनर में 50-60 नींबू के प्लांट बड़े हो रहे हैं।